इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर भड़की है महबूबा मुफ्ती। धर्म पर बीजेपी कर रही है राजनीति, जनसंख्या के नाम पर नफरत का खेल खेल रही है बीजेपी, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती यहां पर कह रही है कि जनसंख्या के नाम पर नफरत का खेल खेला जा रहा है बीजेपी पर, भड़क रही है अब महबूबा मुफ्ती। जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो तीन फेज इलेक्शन के हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है, लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन, लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे, लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। तो देखिए कैसे राजनीति अब शुरू हो गई है। आजादी के 65 साल में देश की डेमोग्राफी में चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। हैरान करने वाला यह खुलासा किया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिम आबादी में 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में घट गई हिंदू आबादी, 50 साल में बढ़ गए 43% मुसलमान। सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा, क्या देश में धीरे धीरे बदल रही है डेमोग्राफी? भारत में आबादी का आंकड़ा बदल रहा है, देश में हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हैरान कर देने वाली जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1991 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे, हालांकि 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। वहीं 1951 में भारत में 9.80% मुस्लिम थे, जबकि 2015 में ये संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.85% का इजाफा देखा गया। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने वाली संस्था ने 65 साल का लेखा जोखा पेश किया। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाई थी। रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक के आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में जनसंख्या में बदलाव की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यक
फल फूल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। बहुसंख्यक आबादी घटने का ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%, आज घट करके हम 70% पर आ गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। आपको बता दें कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों पर देश में अब सियासत होना बिल्कुल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 65 साल में किस तरीके से देश की डेमोग्राफी में चेंज हुआ है आपने ये समझा, लेकिन इसी के साथ आम जनता क्या सोचती है ये भी सुनिए। बढ़ी है, और इस विषय में और मैं क्या कहूँगा, फिलहाल आबादी तो बढ़ी है। आबादी बढ़ी है, और क्या सामाजिक परिवेश में भी असर पड़ता है उसके चलते? आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है तो जो सामाजिक स्पेस है उसमें उनकी भीड़ बढ़ रही है? कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मतलब कहने का मतलब है कि अपनी आबादी हर जगह मतलब सब बराबर मतलब कि रहनी चाहिए। मुसलमान जो बढ़े हैं 40% के करीब और 10% हिंदू कम हो गए हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है, और यही बार बार कहा भी जा रहा था कि एक जो वर्ग है वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ये कुछ नहीं, ये समाजवादी का वोट बढ़ा है। अच्छा। लगातार एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, तो क्या इससे हिंदुओं को कोई खतरा है? का खतरा? कुछ नहीं, खतरा का है, कोई खतरा नहीं। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 43% और हिंदुओं की संख्या घटी है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो हमने कुछ इस बारे में, लेकिन ये है सर रिपोर्ट, इसको कैसे देखते हैं अगर आपको भी पता चल रहा है? नहीं, फिलहाल में तो हमको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बाकी मैं भी मुस्लिम हूँ, इस बारे में मुझे इस प्रकार की जानकारी है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक स्वतंत्र देश है, यहाँ ने सबने जन्म लिया। मेरा नाम आज़ाद खान है, हम भी एक मुस्लिम है, जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है, ये चुनावी समीकरण है, मुद्दे हैं, आदमी हिंदू मुस्लिम। कैसे देख रहे हैं इस खबर को जहाँ हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है? हम लोग इस बारे में नहीं कुछ सुन सकते, सोचिए नहीं, लेकिन बताइए तो सही कैसा आपको लगेगा? अब उसमें कैसा लगेगा, अब ये है कि जो हो रहा है तो हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में देश का आदिवासी समुदाय बड़ी भूमिका निभाता रहा है, यही वजह है कि सभी दलों के एजेंडे में इस समाज को तवज्जो दी जाती रही है। लेकिन सामाजिक न्याय का दावा करने वाली कांग्रेस के नेता ने आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो किया उसे देखकर लोगों में गुस्सा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में वोटरों को साधने के लिए सियासी बयानबाजी तेज है। देश के आदिवासी समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिश जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल भी आदिवासियों के बीच अपना जनाधार बनाने की कोशिश तेज कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र कहा, सामाजिक न्याय की बात की, सभी को समान अधिकार दिलाने का दावा किया, लेकिन झारखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने देश की जनता को दिखा दिया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तस्वीर देखिए, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जनसभा के दौरान अपनी कुर्सी पर बैठे थे, तभी राहुल उनके पास आए, उन्हें कुर्सी छोड़ने का इशारा किया।
जब चंपई खड़े हो गए तो राहुल गांधी उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ गए। इस पूरी तस्वीर को एक बार फिर देखिए। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी ने सीएम चंपई के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस जनसभा में आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस गठबंधन में आदिवासी सीएम को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उस समुदाय की जनता के साथ कांग्रेस कैसा सलूक करेगी। झारखंड में बीजेपी भले ही विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन जब एक आदिवासी नेता का अपमान हुआ तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की आदिवासी विरोधी सोच पर करारा प्रहार किया। ये दिखाता है कि उनकी शहजादा मानसिकता और नवाबी मानसिकता और अहंकारी मानसिकता किस प्रकार की है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया है चंपई सोरेन जी के साथ, ये दिखाता है कांग्रेस की अहंकारी सामंती सोच। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के राष्ट्रपति के नाम का सहारा लेकर आदिवासियों को भड़काने की नामुमकिन कोशिश की। विदेश में बैठे उनके नेता देश को रंग और नस्ल के आधार पर बांट रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल खड़े किए। ये चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि ये द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। चंपई सोरेन के साथ राहुल गांधी का ये बर्ताव ना तो बीजेपी को पसंद आ रहा है और ना ही झारखंड के आदिवासी नेताओं को। सियासी मजबूरी के चलते कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं से हाथ तो मिला लिया, लेकिन इन नेताओं को अपने बराबर में बैठा नहीं देख पा रही है। कांग्रेस का सामाजिक न्याय घोषणा पत्र के पन्नों तक सिमट कर रह गया है, जबकि बीजेपी ने आदिवासी समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। ऐसे में देश की जनता को ही तय करना होगा कि समाज का भला कौन सा दल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां लोकसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो कि अटैकिंग मूड में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो कि बीजेपी के सामने डटकर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जहां दो राजनीतिक दलों के बीच में जनता रिएक्शन और एक्शन के बीच में फंसते नजर आ रही है, किस तरीके से पिस रही है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इख्लाफ कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे। इनके पिताजी के ऊपर भी भड़काऊ भाषण के लिए इनके ऊपर बहुत सारे ऐसा इल्जाम थे, पुलिस केसेस भी हुए भड़काऊ भाषण। उत्तर भारत के लोग जलते पारे से परेशान हैं और हैदराबाद के भाईजान इन दिनों शहर में बढ़ते सियासी तापमान से हलकान हैं। भाईजान के घर में सेंध लग गई और उन्हें चुनौती मिली है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा से, जिन्होंने इस बार एआईएमआईएम चीफ की ऐसी बोलती बंद कर दी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शहर में उनके बाप दादाओं की तूती बोला करती थी, अब उनके उस गढ़ में घुसकर कोई उन्हें इस तरह चुनौती देगा और उनकी बोलती बंद कर देगा। लेकिन भौतिकी का नियम है कि हर एक्शन का रिएक्शन तय है, और अब ओवैसी ब्रदर्स को मिल रहा ये रिएक्शन इन्हीं के कर्मों का नतीजा है। जी हाँ, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला करते थे। वो 15 मिनट में हिंदुओं को साफ करने की धमकी देते थे। लेकिन समय बदला तो राजनीति भी बदल गई, और जिस गढ़ में घुसने की चुनौती ओवैसी ब्रदर्स दिया करते थे, अब दाव उल्टा पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवैसी ब्रदर्स अपनी जिस पसंदीदा मिठाई की बातें सरेआम किया करते थे, आज दोनों भाइयों को वही नफरती मिठाई परोसी जा रही है। जो छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे क्या कर सकते हैं,
ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर यह आरोप लंबे वक्त से लगता रहा है कि उन्होंने सत्ता की मलाई चाटने के लिए हैदराबाद में लंबे वक्त तक हिंदू वोटर्स को दबाया और मुस्लिम वोटर्स पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का दांव पेच आजमाते रहे। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता एक तरफ जहां विकास और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही हैं, तो वहीं नवनीत राणा ओवैसी भाइयों के नफरती राजनीति का जवाब बनकर वहां पहुंच गई हैं, जिसके बाद अब ओवैसी भाइयों को जवाब देते नहीं बन रहा। वो बोलना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इस बार धमकी देने के बजाय वो सियासी भाषा बोल रहे हैं। कि पुलिस को बंगला में ही हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे 15 सेकंड पुलिस को हटाना। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। अखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए अतीफ कर देंगे, क्या करेंगे? कर दीजिए ना, कौन रोक रहा आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए। क्यों करना है देश